होल्स डाइकर रिएक्शन, बोरोडाइन होल्स डाइकर रिएक्शन क्या है, ये किस कंपाउंड पे एक्ट करता है? दिस एक्ट ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अगर आप किसी भी सिल्वर सॉल्ट में Br2CCl4 दोगे, याद रखोगे Br2CCl4 दोगे तो आपका क्या होगा, ये पोर्शन यहां से आउट होगा, सुनते जाइए, ये पोर्शन आउट होके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ब्रोमीन है ये इस तरह से होता है, यहां से ये Ag इस Br को लेके आउट होगा, क्या बनेगा दोस्त, Ag Br, और ये ब्रोमीन आके यहां पर अटैच होके क्या कंपाउंड बनाएगा, RBr। देखो कार्बन एटम डिक्रीज हो गई, ठीक है, क्लियर है, CH3 COOAg, क्या नाम होगा, सोडियम एसिड, सॉरी सोडियम बोल रहा हूं, सिल्वर एसिटेट, सब आ गए है ना, सिल्वर एसिटेट, ब्रोमीन एंड CCl4 आप दे दो, क्या बन जाएगा, CH3 Br, क्या नाम है, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। मगर इश्यू ये है कि ये सिल्वर का कंपाउंड कैसे बनेगा, अगर आप चाहो तो आप बहुत सिंपल वे में इसे समझ सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को ले लो आप, NaOH देते थे उसके जगह पे AgOH दे दो, क्या बनेगा ये, RCOO Ag प्लस H2O। स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं, अब जो स्टेप टू है दैट इज एक्चुअली अ बोरोडाइन होल्स डाइकर रिएक्शन, चाहो तो आप बैलेंसिंग के लिए इस तरह भी लिख सकते हो, हमेशा CCl4 यूज होता है, इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ये मैं पढ़ाऊंगा यहां पे, हेलो एल्केन हेलो एरीन में, देख लो एकदम क्लियर है कि मैं फिर से बताऊं, ठीक है, अब व्हाट कन्वर्जन वी हैव टू डू हियर, आज होप सो मैं कोशिश करूंगा स्टेप अप भी करने का, क्योंकि अब टाइम नहीं लगेगा, कन्वर्जन में व्हाट वी वांट टू प्रिपेयर, किसके थ्रू बनाना चाहते हैं आप, मेथड फोर के तरह, मेथड फोर क्या है हमारा, बोरोडाइन होल्स डाइकर रिएक्शन, कैसे बनेगा ये, सबसे पहले हमें एसिड बनाना होगा तभी मैं सिल्वर सॉल्ट बना पाऊंगा, डायरेक्ट एसिड बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, KMnO4 plus H2SO4, K2Cr2O7 लेते तब आपका एल्डिहाइड बनता, इस चीज को आप ब्रेन में रखिएगा, ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल चैप्टर में भी देखेंगे, मेन क्लास थी मेरी अभी यूट्यूब में, इसी के लिए टाइम लग गया, मैंने 3:15 लिखा था, आतिफा थोड़ा 5 मिनट पहले ही एक्साइटेड हो गए थे तो वो मैसेज किए, ठीक है, हमेशा जब टाइम क्रॉस हो जाए तब मैसेज किया कीजिए, मुझे पूरा याद रहता है, बट स्टिल Br2CCl4 देखिए, अब हैलाइड से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है,
देख लीजिए, कोई इश्यू है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी सर, सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, कन्वर्जन कौन सा, ये पूरा स्टार्टिंग से करूं कि कन्वर्जन करूं? सर स्टार्टिंग से सर, वो असल में मम्मी का कुछ काम था तो मैं पूरा क्लास छोड़ के जाना पड़ा। जी सर, वो मम्मी का कुछ काम था तो मुझे थोड़ा छोड़ के जाना पड़ा था बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे मैं रिकॉर्डिंग भी अगर कभी जरूरत होगी तो बोलिएगा, ये मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। बोराडाइन हुंसडाइकर रिएक्शन क्या है, एक बार आप स्क्रीन देख रहे हो अच्छे से, देखते रहिए। बोराडाइन हुंसडाइकर रिएक्शन किस पे एक्ट होता है? सिल्वर सॉल्ट पे। बोराडाइन हुंसडाइकर रिएक्शन RCOOAG पे एक्ट होता है। अगर आप यहाँ पर ब्रोमिन दोगे CCl4 में, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बोराडाइन हुंसडाइकर रिएक्शन। यहाँ से क्या होगा आपका, जब भी सिल्वर सॉल्ट दोगे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CO2। एक Br, एक Ag, Br2 है, अलग अलग लिख रहा हूं, ये यहां से आउट हो जाएगा और BBr इस R के साथ कनेक्ट होके क्या बन जाएगा? RBr। देखो एक कार्बन डिक्रीज हो गया, सो दिस इज द स्टेप डाउन मेथड। मैंने इस चीज का और भी बैलेंस थ्रू में सिल्वर एसिटेट दिखाया है। आप बोलोगे कि सर सिल्वर एसिटेट ठीक है, जनरल कंसेप्ट भी आप दिखा सकते हो, बिल्कुल आप जनरल कंसेप्ट में ये ले लो। RCOAG क्या होगा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड से बनता है ना ये। अगर आप Br2 देते हो CCl4 में तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा, बन गया। Ag एक ब्रोमीन से लगेगा, बन गया। अब ये Br जो बचा है ये R के साथ लग जाएगा, देखो वन कार्बन लेस हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? बोराडाइन हुंसडाइकर रिएक्शन। मगर बहुत लोग ये बोलते हैं कि सिल्वर सॉल्ट बनता कहां से है, तो सॉल्ट हमेशा एसिड से बनता है। जिस चीज का सॉल्ट बना रहे हैं उस चीज का एल्केली लेना होगा। देखो सोडियम लेना रहता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम लेना रहता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सिल्वर लेना है तो क्या लेंगे? AgOH। ये क्या बना? सिल्वर सॉल्ट। यहां तक देख लीजिए फरहान, सॉरी रेहान, अगर कोई इश्यू है तो बताइए। बोराडाइन हुंसडाइकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे 100 बार भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज एक्सप्लेन। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई ऑलवेज इन अ नॉर्मल मोड। बोलिए सर जी, मैम। सिल्वर के जगह कोई और मेटल यूज कर सकते हैं इसके जगह पे? काशिफ सर, सिल्वर के जगह पे कोई और मेटल यूज कर सकते हैं? नहीं, बोराडाइन हुंसडाइकर सिल्वर पे ही एक्ट करेगा, ठीक है। बोराडाइन हुंसडाइकर का ये देखोगे क्या नाम है, डेफिनेशन देखोगे तो वो क्या बताता है, किस पे एक्ट होता है? सिल्वर सॉल्ट पे। अगर सोडियम लोगे और ये दोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आइए कन्वर्जन में। कन्वर्जन में हमें क्या करना है, पहले कार्बन एटम डिक्रीज करना है। कार्बन एटम अगर आप बोराडाइन हुंसडाइकर से डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना होगा? सिल्वर सॉल्ट। तो अल्कोहल से एसिड बनाना आता है, बना लीजिए, उसके बाद सिल्वर सॉल्ट बनाइए, वहां से ऑर्गेनिक का सिर्फ कंपाउंड देना है ना। इस कन्वर्जन को एक बार देख लीजिए, अगर किसी को कोई इश्यू है तो बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। रेहान, अतीफा, रुजादा, साई, आप एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन ले लीजिए। रुजादा, मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अपने लाइफ में आपका ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगा, आपकी बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही है, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज टेक अ गुड कनेक्शन। आई एम नॉट बी एबल टू हियर, कुछ भी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको कुछ क्लास वर्क दे रहा हूं जो मुझे अभी चाहिए, 10 मिनट्स में दे रहा हूं, मुझे अभी चाहिए अभी। कन्वर्जन, ठीक है, क्या कन्वर्जन चाहिए? किसी भी मेथड से, आपको जितना मेथड दिखाया हूं किसी
भी एक मेथड से आप मुझे बना के दिखाओ। एकदम क्लास 12 का फेवरेट क्वेश्चन है सर। ये चार में से एक आता ही है एवरी ईयर। देखो सब में कार्बन एटम, कोशिश करो ना, बनाओ ना, मैं तो कर ही दूंगा। चलो मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा देर के लिए ऑफ कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी ट्राई करेंगे। नो, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड नंबर वन तो आप लोगों से हो जाएगा, मैं सेकंड से बता रहा हूं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे कार्बन एटम डिक्रीज करना है, मुझे कार्बन एटम डिक्रीज करना है, कौन सा मेथड पसंद है, जो मेथड पसंद है उसके थ्रू कर दो, ठीक है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर लोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड। सोडा लाइम से हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन। मीथेन से अल्कोहल बनाना आता है, अगर अल्कोहल बनाना आता है तो एल्डिहाइड नहीं बन जाएगा। आपको तो कार्बन एटम डिक्रीज करने के बाद सोचना है क्या होगा, एक्वस KOH क्या बन गया, दिस ऑक्सीडेशन। आप अगर लिखना चाहते हो K2CR2O7 लिख दो, बिल्कुल क्या बन गया, SCHO बन गया। आप बोलोगे नहीं सर मुझे ना ये मेथड से नहीं बनाना है, मैं ना कुछ और मेथड सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये मेथड, क्या नाम है, एल्कीन का ओजोनोलिसिस का मेथड। आओ उसके लिए क्या बनाना होगा, पहले अल्कोहल बनाना होगा तभी तो एल्कीन बनेगा, रिडक्शन कर दो। आपको तो पहला बस याद रखना है, काम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दो 443 केल्विन में। ओजोन जिंक एंड वाटर दे दो, बन गया। आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो बनाओ ना यार, सब मेथड से बनेगा, थोड़ा ब्रेन तो लगाओ। हो गया दादा ये दो, थर्ड और फोर्थ तो आपके नजर के सामने है, ये रहा, ये हो गया, यहां से ऑक्सीडेशन कर दो इसका, ये लीजिए हो गया। देखिए कोई डाउट है तो बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, किसी और मेथड्स के थ्रू करना है तो वो भी मुझे बताइए। फोर्थ तो आपको ही बनाना होगा, फोर्थ आपको ही ट्राई करना होगा, थोड़ा ब्रेन लगाना होगा। मैं स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकता हूं, मैं आप लोगों के साथ चलता हुआ आपका हेल्प कर सकता हूं। ऐसे काम चलेगा। चलिए आइए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी, ये अमाइन चैप्टर में यूज होगा, मगर कंसेप्ट मैंने सब अभी सिखाया। देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले लॉजिक के पीछे जाइए, लॉजिक के पीछे। मुझे यहां से किसी ऐसे कंपाउंड में जाना है जो स्टेप डाउन फॉलो करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। उसके बाद ये मान लीजिए कंपाउंड वन है, स्टेप डाउन के बाद एक कंपाउंड बनाता है, वो बनाता है मान लो कंपाउंड टू। अब मुझे एक ऐसा यहां पर फंडामेंटल, ये आप ये वन लॉजिक है, ये टू है, इससे मुझे ऐसा कुछ काम करना है कि ये बनाना है, ठीक है। आप स्टेप डाउन में क्या क्या जानते हैं, अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन यूज करोगे तो एसिड चाहिए, ओजोनोलिसिस यूज करोगे तो एल्कीन चाहिए, बोरोनाइन हुज डाइकर यूज करोगे तो अमाइड चाहिए, अमाइड चाहिए मतलब वही एसिड के ही थ्रू अमाइड आएगा, या बोरोडाइन हुज डाइकर चाहिए तो दिस। अमाइड का एक मुझे ऐसा सेक्शन लग रहा है जो मेरा काम इसी से रिलेटेड है, तो मुझे पहले इससे एसिड बनाना होगा। आप बोलोगे सर इस चीज से एसिड कैसे बनेगा, इस चीज से एसिड कैसे बनेगा,
आप याद करो ये कंपाउंड पे मैंने कोई रिएक्शन बताया है, बस एक ही रिएक्शन बताया है अभी तक, नाइट्रस एसिड से ये अल्कोहल बन जाएगा। इसके बाद आप दोस्त ऑक्सीडेशन कर लो इस पे, के मेरा 4+ H2SO4, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये क्या बन गया आपका, डायरेक्ट एसिड बन गया, अमोनिया से हीट कर दो, अमाइड बन गया, हॉफमैन डिग्रेडेशन दे दो, अमाइन बन गया। आप बोल सकते हो सर आप इतना सोच सकते हो, आप टीचर है, मेरे ब्रेन में आता है, ठीक है हमारे ब्रेन में आएगा डीकार्बोक्सिलेशन, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी भी अगर अमाइन टू अमाइन दिया हुआ है तो ट्राई टू डू द कंसेप्ट ऑफ हॉफमैन डिग्रेडेशन। हमेशा ब्रेन में क्या चीज के बारे में सोचो, हॉफमैन डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। आप स्टेप अप स्टेप डाउन को देखो, देखो मैंने यहां पर कुछ नहीं पढ़ाया, मैं बस यहां पर एक कार्बन एटम को डिक्रीज करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अल्कोहल चैप्टर में मिलेगा, ये एल्डिहाइड, ये एसिड, ये अमाइन चैप्टर। देखो अभी तक हमने चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया मगर यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है, देख लो अच्छे से, अगर कोई इश्यू है तो मुझे बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। काशिफ, रेहान, अतीफा, मला, रोजैदा, देख लीजिए दोस्त, आज का सेकंड सेशन नहीं होगा, ये मेरे बेटे का आईडी है, वो न्यूटन स्कूल में है, तुम लोगों का परचेस्ड आईडी है, इसी के लिए चलता रहेगा। बोलिए आप लोग, और कीजिएगा क्वेश्चन कि आगे बढ़ो। आगे का पढ़ा दिए, आगे का पढ़ा दो, चलो अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल स्टेप अप मेथड। स्टेप अप मेथड क्या है, इंक्रीज इन कार्बन एटम और एटम्स, इंक्रीज इन कार्बन एटम का क्या क्या मेथड है, यहां भी आपको कुछ मेथड याद रखना है। इंक्रीज इन कार्बन एटम का सबसे पहला मेथड हम लोगों ने 10 में भी पढ़ा था और 11 में भी पढ़ा था एल्केन में, वॉस रिएक्शन, कार्बन एटम डिक्रीज करता है। क्या चाहिए इसके लिए हमें, इंक्रीज करने के लिए एल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट एक्वस KCl, यहां पे टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत हो जाएगा, जो टाइम था स्टेप डाउन में था सब नया सीख रहे थे। KCl मतलब पोटेशियम साइनाइड, ये भी किस कंपाउंड पे लगेगा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को ही प्यार से हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट, यहां पर ये तीन याद रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किसे बोलते हैं, RMGX को 11 में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, फिर से अभी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ये किस में एक्ट होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, हमारा मोटिव एकदम सिंपल है, हमें क्या स्टेप अप में क्या करना है, हमें
इससे ये बनाना है, देख लो अच्छे से, क्लियर है? सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, वस रिएक्शन यूज करूंगा। मेथड वन, व्हाट इज वॉस रिएक्शन? सभी को आता है ये? टू मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम, बुक में डेफिनेशन दिया है मेटालिक सोडियम, बात एक ही है, सोडियम तो मेटालिक है ही है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ये ड्राई इथर यहां पर सॉल्वेंट का काम करता है, टू फॉर्म एल्केन। ये मैं इसलिए थोड़ा और डिटेल में बता दे रहा हूं बिकॉज ये फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन में यूज होगा, तो मैं और वहां पे शिवा को बता दूंगा कि वहां से देख लीजिए। ठीक है, क्या है वॉस रिएक्शन, क्या बोल रहा है? टू मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद मेटालिक सोडियम। आप देख सकते हैं, देखिए आप बुक में इस तरह देखिएगा, टू मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, जहां भी एक्स लिखा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, जो हमने 10 में ही पढ़ा था, मगर मैं फिर से आपको बताता हुआ चल रहा हूं। आर एक्स टू एन ए आर एक्स ड्राई था, ड्राइथर एक सॉल्वेंट के तरह काम करता है घोलने के लिए, एल्काइल हैलाइड पानी में नहीं घुलता है, इसमें घुलता है ड्राइथर में। ये पार्शन यहां से आउट हो जाएगा, ये और ये आपस में इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके आर आर, देखिए कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, प्लस टू एन एक्स, दिस इज नोन एज एल्केन। आपको इतना नहीं लिखना है, ठीक है? देखो ये सब 10 में लिखा रहता था, 11 12 में क्या होगा मैं दिखा रहा हूं। देखो कार्बन एटम इंक्रीज हुआ है, मगर इसे हम कन्वर्जन के थ्रू कैसे लिखेंगे? बस कोई भी एल्काइल हैलाइड, क्या नाम है इस कंपाउंड का? क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन इज आईयूपीएसी नेम, इसीलिए इसे हेलो एल्केन भी बोलते हैं, एंड मिथाइल क्लोराइड मतलब इन टर्म्स ऑफ एल्काइल हैलाइड दिस इज कॉमन नेम। सिंपल, सोडियम ड्राई इथर में आप दोगे, जितना कार्बन है उसका डबल कार्बन का एल्केन बन जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे बैलेंस करना है, आप कर लो, मुझे तो कन्वर्जन में बैलेंस नहीं करना है दोस्त। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, और भी काफी एग्जांपल है, C2H5Cl Na ब्राइथर, C2H5Cl नहीं लिख के इसको अगर ओपन करके लिखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा समझना। देखिए इसका डबल बन जाएगा, यहां तक सबका क्लियर है तब बोलो मैं आगे बढ़ूंगा। देख लीजिए सबका क्लियर है,
चलिए, कोई बोलने के मूड में नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमारा कंसेप्ट यहां पर क्या है, हमें इस कंपाउंड से ये बनाना है। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या होगा, हमारा लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या होगा, हमें इस कंपाउंड से एल्काइल हैलाइड बनाना होगा, वॉश रिएक्शन देके डबल कार्बन बनाना होगा, उसके बाद हम यहां बनाएंगे। यही है ना हमारा, मतलब अल्कोहल से ये बनाना कंसिडर एज अ लॉजिक वन। देख लो लॉजिक में कोई कमी है तो बताओ। बोलिए, अब मैं आ रहा हूं लॉजिक वन में। किसी भी अल्कोहल से अगर आपको अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो आप तीन टाइप का रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या तो आप PCl3 यूज कर सकते हैं, या PCl5 यूज कर सकते हैं, या SOCl2 यूज कर सकते हैं। आप मेरी बात मानिएगा तो आई विल टेल यू टू यूज SOCl2। व्हाई? ये मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में आऊंगा। इस कंपाउंड को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इस कंपाउंड को फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड बोलते हैं। 5 क्लोराइड है ना। इस कंपाउंड को फॉस्फोरस आप क्या यूज करोगे, मैं आपको किसी भी अल्कोहल से हैलाइड बनाना है, इसके ऊपर बैलेंसिंग अभी नहीं जानना है। SO सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन दो बार SOCl2, फिर से नाम लिख रहा हूं याद हो जाए आपको, ये अभी ऑर्गेनिक में काफी यूज होगा क्लास 12 में, थायोनाइल क्लोराइड। क्या बनाएगा ये, क्या बनाएगा ये, CH3Cl। आप किसी भी अल्कोहल को ले लो, जरूरी नहीं है मिथेनॉल लो, अगर आप इथेनॉल लोगे तो क्या बनेगा, ठीक है, एकदम क्लियर है। यहां से यहां बन गया, ये भी एल्केन से तो अल्कोहल बनाना हमें आता ही है, सीखा है ना। चलिए बनाता हूं कन्वर्जन। कार्बन एटम डिक्रीज करना है, पहले क्या बनाऊंगा, हैलाइड बनाऊंगा, सॉरी कार्बन एटम इंक्रीज करना है ना, देखिए तो इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है ना, देखिए मैं भी थोड़ा सा भूल गया, सॉरी। आप लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे तो क्या होगा, एने ब्राइथर। यूवी रेस In presence of chlorine, alkane बनाने, alcohol बनाने का तो यही तरीका है ना। Aqueous cleavage,
देख लीजिए फ्रेंड, क्लियर है तो बोलिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लीजिए, अगर कोई भी ऐसा चीज है, मान लीजिए कि आपका कोई स्किप हो गया इंटरनेट के इश्यू से या किसी भी चीज के वजह से, तो आप फिर से पूछ सकते हैं। हमारा पहला मेथड एकदम बहुत फास्ट हो गया है। चलिए कॉपी कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड टू, मेथड टू क्या है हमारा? एक्वस केसीएन, याद है ना? कार्बन एटम इंक्रीज करने का क्या है? एक्वस केसीएन कैसे होता है? ये किस कंपाउंड पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एल्काइल हैलाइड पे। एक्स स्टैंड फॉर ठीक है, अगर आप किसी में भी केसीएन दीजिएगा, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ, किसी ने मैसेज किया है क्या? ये क्या हो जाएगा यहां से? ये केसीएन आउट हो जाएगा। देखिए यहां R कार्बन थे, यहां R प्लस CN है, ठीक है? आप किसी भी एक एग्जांपल को देख लो, कन्वर्जन के ऊपर आप शॉर्ट में एक ही लिख सकते हो। क्या नाम होगा? मिथाइल साइनाइड। ठीक है, एकदम मेथड टू। अब आइए, अब हम मैं फिर से लॉजिक में आता हूं। क्या हमें प्रिपेयर करना है? इससे मैं पहले क्या बनाऊंगा, ये कैसे बनेगा, ये हमें पहले देखना होगा। यहां पर एक्वस केसीएन देके क्या बनाऊंगा मैं, और इसके बाद मुझे अल्कोहल बनाना है। जरूरी नहीं एक स्टेप में हो या दो स्टेप में। देखो कार्बन एटम इंक्रीज हो गया यहाँ पे, ठीक है? यहां हमारा लॉजिक वन लगेगा,
और यहाँ हमारा लॉजिक 2 लगेगा। 1 हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया है SOCl2 से, अब हमें क्या सीखना है? लॉजिक 2 हो सकता है एक स्टेप में हो सकता है बहुत से स्टेप में हो, लॉजिक के ऊपर वर्क कीजिए। समझ में आया कि फिर से बताऊं? ठीक है, नेटवर्क है ना हमारा, किसी का चैट आया है, नहीं समझ आया रुज़ादा, फिर से लिखिए तो कौन सा चीज नहीं समझ में आया बताइए रुज़ादा, कौन सा समझ में नहीं आया? ये नहीं समझ में आया मेथड 2 कि लॉजिक मेथड 1 क्या नहीं समझ में आएगा, फिर से मैसेज कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस ज्यादा मैसेज तो थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं आप। मेथड आइए मेथड 2 थोड़ा समझा देता हूं आपको। यहां देखिए आर एक्स, एक्स क्या है मालूम है, आर क्या है मालूम है, सीएल है, एक्वस केसीएन लीजिएगा पोटेशियम और ये एक्वस, तो क्या होगा जैसे केओएच होता था केओएच, यहां से ऐसे केसीएल निकल गया और ये सीएन आके यहां पर कंबाइन हो गया, क्या बन गया रुज़ादा आपका CH3CN प्लस KCl, जो मैंने गलती किया पिछली बार नहीं दिखाया, मैं सोचा आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्या बन गया ये मिथाइल साइनाइड, ये मिथाइल ग्रुप है, ये CN है मिथाइल साइनाइड, IUPAC नेम क्या है इथेन नाइट्राइल, जाके मेरा 11 का IUPAC नेम एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट 2 कार्बन का भी आप ले सकते हैं, ये किस पे एक्ट करेगा क्लोरीन पे, अब ये क्लोरीन पे एक्ट करेगा तो क्लोरीन कहां से आता है वो तो हमें मालूम है ना, ये तो हमने सीखा है ना SOCl2 देने से हो जाएगा, ये तो हमें मालूम है ना कि अल्कोहल से ये बन जाएगा SOCl2 देके रुज़ादा, ठीक है नहीं है तो बोलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ये क्या आउट हो गया KCl, ये आउट हो जाएगा तो ये आके कार्बन का जो है ये पार्ट यहाँ आके अटैच हो जाएगा CH3 CH2 CN प्लस KCl, इथाइल साइनाइड, ठीक है। अब हमारा मेथड, अब हमारा लॉजिक क्या बोल रहा है, पहले मुझे कार्बन एटम इंक्रीज करना है किसके थ्रू, एक्वस केसीएन के थ्रू, तो मुझे अल्कोहल से ये बनाना होगा, ये आपको आता है रुज़ादा SOCl2 देने से ये बन जाएगा, क्लियर है, एक्वस केसीएन दीजिएगा तो ये सीएल हट के सीएन बन जाएगा। अब हमें सिर्फ ये सीखना है, दिस वी डोंट नो, ये हम सिर्फ सीखेंगे, कन्वर्जन तभी एक्सपर्ट हो पाइएगा जब घर में 2-3 से 4 बार लिखिएगा आप लोग, देख लीजिए ये छोड़ दीजिए, इससे पहले का सब क्लियर है, एक बार मैं चैट फिर से देख लेता हूं, ठीक है चलिए वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम है फिर से पूछ सकते हैं, रेहान रुज़ादा आतिफा ताशिफ मला, सर क्लियर है, थैंक यू।
अब जिस डोंट नो को हम लोग जानते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लॉजिक टू सीखने जा रहे हैं। लॉजिक टू में अभी आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखना होगा। सबसे पहले ये RCN है, इसका बॉन्डिंग इस तरह होता है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो क्लास 10 का मेरा वीडियो है बॉन्डिंग का, जरूर देख लीजिएगा। 11-12 का भी देखने का जरूरत नहीं, 10 का ही देखने से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ये इसको सिग्मा बोलते हैं, ये दो को पाई बोलते हैं। रेहान, मैंने भी जो आपको वीडियो दिया है उसका पहले ही वीडियो में ये बताया हुआ, अगर आपको टाइम मिलेगा तो जरूर देख लीजिएगा टाइम निकाल के। आप दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड के लिए 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज होता है, या फिर इसे 2s2 लिखते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत सा रिएजेंट है, एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हैं, या निकेल 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 250। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, क्या बन गया, ठीक है कि फिर से बता। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह कन्वर्जन में इस तरह नहीं लिखना है, कन्वर्जन में एकदम सिंपल वे में लिखना है इस तरह CH3CN है। आपको वो हाइड्रोजन भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करनी है। ये क्या बन जाएगा, CH2 CH2 NH2 आ रहा समझ में, इसके अंदर दो हाइड्रोजन और यहां दो हाइड्रोजन, बन गया ये क्या है, अमाइन। एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था मैं फिर से बताता हूं। साइनाइड से अमाइन बनाने का यह तरीका है, अमाइन से तो अल्कोहल हमें बनाना आता है। चलिए मेथड टू के थ्रू देखते हैं कन्वर्जन, थोड़ा बनाइएगा आप लोग, थोड़ा ट्राई कीजिए। एक्वस पोटेशियम साइनाइड क्या है, एक्वस पोटेशियम साइनाइड, देखिए इसका काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। सबसे पहले याद रखिए ये किसके ऊपर वर्क करता है, हेलो एल्केन। मैं थोड़ा डिटेल में आ रहा हूँ, लास्ट क्लास में कन्वर्जन किया था। हेलो एल्केन को एक और नाम से जानते हैं, एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, RX। हियर एक्स स्टैंड फॉर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। कोई आए हैं क्या, हाँ इशरा है। चलिए लास्ट क्लास का हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए इशरा, लास्ट क्लास तक का आप नहीं थे, रिकॉर्डिंग देख लिया है। ये होता है एक्वस केसीएन क्या करता है, RX में अगर आप एक्वस केसीएन देते हैं तो ये क्या बनेगा, RCN+KX। बहुत से बुक में देखिएगा एक्वस नहीं लिख के अल्कोहलिक भी लिखा है, केसीएन के मामले में एक्वस और अल्कोहलिक एक ही तरह वर्क करेगा। एक में मुझे जरा व्हाट्सएप बंद करने दीजिए, तो पहले ये बसता रहेगा। इश्रा दिख रहा है आपको सब कुछ, यस सर। अब ये आपका केसीएन बन गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। मैं एकदम डिटेल में आना चाहता, कन्वर्जन के बाद जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, एकदम बिंदास रहिए। वीडियो यूट्यूब का भेजूंगा उसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं पूरा एनसीईआरटी को लाइन से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लीजिए, एक्वस केसीएन दे दीजिए, क्या बन जाएगा ये, CH3CN। ऑब्वियसली साथ में आपका KCl बनेगा, जो भी बनेगा वो आपका काम है, लिख लीजिए। कन्वर्जन में तो हमें जरूरत नहीं है इस चीज की।
ठीक है। अब देखिए, अब अच्छे से समझिए। ये RCN एकदम अच्छे से देखिए, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनेगा, RCH2NH2, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद है? अगर ये डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो ये आपका क्या देगा, मैं एक एक को पूरा भी दिखाऊंगा, RCOH। और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, ये याद कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी इसको पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा अभी। ये क्या बना रहा है, अमाइन, जिसे मैं 1 डिग्री भी बोलता हूं। अगर आपको इस चीज में प्रॉब्लम होगा, 11 का वीडियो है वहां पे नॉमेनक्लेचर का, देख लीजिएगा। ये क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बना रहा है, अमाइड। डिटेल में देखिए, आज हमारा ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन। आज इसे मुझे पूरे डिटेल में करने दीजिए। ये हमें मालूम है पहला वाला, इसको मैं 1 मान लेता हूं, दिस इज द रिएक्शन नंबर 2 ऑफ साइनाइड एंड दिस इज 3। 1 में हम लोग क्या बना रहे हैं, ठीक है, 1 में हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्काइल साइनाइड टू 1 डिग्री अमाइन। दिस इज एल्काइल साइनाइड, ठीक है, एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड में अगर आप पूरा बैलेंसिंग में आपको दिखा देता हूं, मगर आपको तो कन्वर्जन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखिएगा आप। एक मिनट, मैसेज कर रहे हैं क्या, तो ये क्या बनेगा, RCH2NH2। आप अगर चैप्टर कीजिएगा तो बैलेंसिंग में आइदर आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, कन्वर्जन हमें मालूम है कैसे करना है, मैं डायरेक्ट कन्वर्जन का ही कंसेप्ट में आ रहा हूं। CH3CN है, कितना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए, ये 2 पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन अटैच होगा तो 2 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन अटैच होगा, सॉरी, एक पाई बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 पाई बॉन्ड में 4 होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दीजिए, CH3CH2NH2, क्या नाम है, मिथाइल साइनाइड, इसका क्या नाम है, इथाइल अमाइन। ऑर्गेनिक कन्वर्जन कर रहे हैं तो इतना नहीं करके एकदम सिंपल वे में इस तरह लिखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए,
इस कंपाउंड का नाम है फिनाइल साइनाइड, क्या बोलते हैं इसे, फिनाइल साइनाइड, ठीक है। इसके अलावा इसको बेंजोनाइट्राइल भी बोला जाता है, नाम याद रखिएगा। अगर आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दीजिएगा सर जी, तो साइनाइड और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या बन जाएगा, CH2NH2। इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइलामाइन। इस चीज का नेमिंग मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी एक छोटा सा चीज आपको बता रहा हूं, ये पोर्शन जहां भी होगा इसे बेंजाइल बोला जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH2 लगा है, बेंजाइल। अब उसके साथ अगर OH लग गया तो क्या नाम हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। NH2 लग गया तो क्या नाम हो गया, बेंजाइल अमाइन। देखिए क्या नाम है इसका, बेंजाइल अल्कोहल। एकदम डिटेल में देखते हुए देखिए, पहला कंसेप्ट सबका क्लियर है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं चलिए। अब डाइल्यूट HCl में आते हैं, पहले एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से सर। वो मिथाइल साइनाइड में आप बोले थे ना कि दो पाई बॉन्ड्स हटेगा तो फिर हाइड्रोजन आएगा, वो वाला पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये रहा, किसी को भी ले लीजिए। डिफरेंट कलर से पाई बॉन्ड दिखाते हैं, ये दो पाई बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे, यही है ना बॉन्ड। हाइड्रोजन आया यहां शेयर किया, 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 देख लीजिए क्या बन गया, फिर से बता दें। नहीं समझ आया। अब नंबर टू देखते हैं, नंबर वन सबका क्लियर है, चलिए कोई कुछ नहीं बोल रहे मतलब क्लियर है। हम लोग इंडिया में अगर कोई आदमी कुछ नहीं बोलता तो उसको हाँ मान लिया जाता है, चलिए मैं भी उसे हाँ मान लेता हूं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट में, नंबर टू में। यहां क्या बोल रहा है, यहां दिखा रहा है एल्काइल साइनाइड में डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl नहीं देखे, बहुत से बुक में देखिएगा H3O+ लिखा होता है इस रिएक्शन में, या बहुत बुक में H+, H2O होता है, ठीक है। डाइल्यूट HCl का मतलब क्या होता है, उसमें H+ निकलता है, पानी से कंबाइन होता है। आप डाइल्यूट HCl के जगह में देखिएगा आप डाइल्यूट एसिड भी लिख सकते हैं, या H3O+ भी, बिना ब्रेन लगाए हुए याद रखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ऑफ सेम कार्बन। क्या है अल्काइल साइनाइड, ये है, बिना ब्रेन लगाए हुए डाइल्यूट HCl दीजिए, ये किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, CH3CN दीजिएगा, बैलेंसिंग देखना है एक बार इसको, पहले हाँ कीजिए, जस्ट गिव मी वन मिनट, दो मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं, जब तक
चलिए ठीक है, आगे बढ़ूं। अब बैलेंसिंग देखता हूं इसका। बैलेंसिंग में क्या है? RCN, डाइल्यूट HCl का मतलब होता है पानी ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल वाटर लगता है, ये बैलेंसिंग है। H+, H+ मतलब एसिड का, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो दो ऑक्सीजन है यहां पर, कितना है, दो ऑक्सीजन है और चार हाइड्रोजन है, ये दो ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, क्या बन गया, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, तीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बचा, साथ में क्या निकलेगा, अमोनिया। देख लीजिए सिंपल एग्जांपल, CH3CN, डाइल्यूट HCl का बैलेंसिंग इस तरह किया जाता है। ये दो ऑक्सीजन यहां, इसमें से तीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ले जाएगा अमोनिया बनाने के लिए, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, आपको तो कन्वर्जन में डायरेक्ट याद रखना है, बाकी तो ये सब तो एसिड में फिर से आएंगे ही, फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक तो एक बार तो पूरा डिटेल में पढ़ा ही है, फिर से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आता हूं नेक्स्ट में। अब थर्ड वन में आता हूं, अल्काइल साइनाइड में कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देख सकते हैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए अमाइड बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मतलब क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई अमाउंट ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्या बना अमाइड, क्या बना अमाइड, ठीक है। अमाइड का आप ये देख सकते हैं, मिथाइल साइनाइड बैलेंसिंग दिखा रहा हूं, पहले इसे देख लीजिए, क्या नाम है इस कंपाउंड का, याद है ना हॉफमैन डिग्रेडेशन में ये कंपाउंड यूज करते थे, एसिटामाइड। बैलेंसिंग देखना है, देख लो, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है लिमिटेड सप्लाई वाटर, सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेना है, दो रहता तो डाइल्यूट होता है, वन मॉलिक्यूल है तो कॉन्सेंट्रेटेड है। ये O यहां जाएगा और ये H2 यहां जाएगा, क्या बन गया ये आपका, RCONH2, देख लो क्लियर है कि, फिर से बताओ, सर क्लियर है। चलिए अब आ गया हूं, इसी के लिए इसी तरह देखिए, मैंने जो कन्वर्जन बताया था सेकंड का, देखिए फिर से एक बार इसे रिपीट कर रहा हूं,
क्या हमें बनाना था? मिथेनॉल से इथेनॉल, वी आर डूइंग ए स्टेप अप मेथड। हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोगों को एक्वस केसियन यूज करना है तो पहले हमें क्या देना होगा, एसओसीएल टू थायनाइल क्लोराइड, क्या बन गया सीएन, एक्वस केसियन, कार्बन एटम इंक्रीज हो गया, डाइल्यूट एससीएल, रिड्यूस कर दीजिए, सब स्टेप डाउन में मैंने पढ़ाया था, अल्कोहल, और तरीका देखना है देख लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, क्या बनेगा CH3CH2NH2, HNO2 डाल दीजिए, बन गया ये। ठीक है सर जी, मैम देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड मेथड में एंटर करूं मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस सर। थर्ड हमारा मेथड ट्री हमारा क्या है? बता रहे हैं हमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, एक मिनट, हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, मगर अभी भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं रिएक्शंस में आऊंगा। थोड़ा मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एल्केन में पढ़ाया हूँ मगर फिर से एक बार बता देता हूँ।